हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। ओबी 47 अपडेट के बाद ऐसे ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिसको देखकर आपको ऑल्ड फ्री फायर की याद आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपडेट नंबर 1 से। पूरे मैप पर स्नोफॉल हो रही है एंड इस कारण पानी जमी हुई मिलेगी। तो इस अपडेट के बाद आप लोग पानी के ऊपर चल सकते हैं या फिर व्हीकल को चला सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पहले पानी थी। बाकी ये चीज गेम पर तब तक रहेगी जब तक विंटर वाली इवेंट गेम से खत्म नहीं हो जाती। ओबी 47 अपडेट के बाद आपको गेम पर बहुत सारे न्यू सेटिंग्स भी मिलेगी। जब आप लोग गेम की सेटिंग पर आकर डिस्प्ले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा परफॉर्मेंस मोड। ये सेटिंग भी आपको अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगी। नंबर 2, गेम की एक बहुत ही पुरानी सेटिंग गेम पर वापस आने वाली है एक नए नाम के साथ, जिसका नाम होगा हिट इफेक्ट या फिर वन डेड इफेक्ट। आपको गेम पर एक और सेटिंग मिलेगी जिसका नाम होगा फ्री कैमरा बटन। साथ ही हमारे गेम पर एनिमी आउटलाइन वाली सेटिंग वापस आ रही है, क्योंकि पिछले अपडेट पर एनिमी आउटलाइन आई तो थी पर कुछ दिनों बाद इस सेटिंग को हटा दिया गया। इन सारे सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अपडेट के बाद एक बड़ा सा स्कैनर भी देखने को मिलेगा। बेसिकली इस स्कैनर के सामने आकर आपको इसका यूज करना है। इसका यूज करने पर आप अपने जगह के साथ साथ हॉट ड्रॉप वाले जगहों पर भी कितने सारे प्लेयर्स छिपे हैं उसको भी देख सकेंगे। जैसे कि मैं पीक वाले स्कैनर का यूज कर रहा हूँ पर मैं क्लॉक टावर पर कितने सारे प्लेयर्स छिपे हैं उसको भी देख पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग एक रसर प्लेयर हो जो कि रस करके ज्यादा किल्स करना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप लोग बंदे से फाइट भी ले सकेंगे। गेम पर एक न्यू कैरेक्टर आने वाली है जिसका नाम होगा कोडा। कभी कभी मैच पर आसपास बंदे छिपे होते हैं एंड सरवाइव करते हैं और हम लोग उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते एंड वो छिप कर ही हमें मार सकते हैं। कोडा कैरेक्टर का यूज करने पर आपकी मूवमेंट स्पीड 10% ज्यादा होगी और साथ ही इसका यूज करने पर आप 50 मीटर की रेंज पर कहीं भी छिपे हुए बंदे को देख सकेंगे। चाहे वो किसी घर के पीछे छिपाओ, वो किसी वॉल के पीछे छिपाओ या फिर कहीं भी छिपाओ, लेकिन आप इस तरीके से उस बंदे की लोकेशन को देख सकेंगे। और जब हम लोग बीआर मैचेस खेलते हैं तो यहाँ पर उतरते हुए बंदे को इस तरीके से देख सकेंगे। इस कैरेक्टर की कूलडाउन टाइम होगी 45 सेकंड, यानी हर 45 सेकंड के बाद इसकी एबिलिटी का यूज कर सकेंगे। न्यू अपडेट के बाद गेम पर आने वाली है एक न्यू व्हीकल। मैप पर ये साइन जहाँ जहाँ बनी होगी वहाँ पर आप लोग उतर कर इस व्हीकल को ले सकेंगे। आपको सिंपली साइन वाले जगह पर आकर इसके सामने आना है एंड यूज वाले बटन पर क्लिक करना है। यूज करते ही आपके सामने व्हीकल आ जाएगी एंड इसका यूज आप लोग बार बार अनलिमिटेड बार कर सकेंगे। इस व्हीकल को देखने पर ये उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस व्हीकल की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। अब ये नहीं पता कि गेम पर ये व्हीकल कितने दिनों तक रहेगी, पर जब तक है इसका यूज जरूर करना। ओबी 47 अपडेट के बाद अगर आप मैप पर चारों तरफ देखोगे तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी, साथ में गिरती हुई बर्फ की एनिमेशन भी। जो ओल्ड प्लेयर्स है उनको याद होगा कि इस तरीके से स्नो मैप बहुत ही पहले आया था। अब इस तरीके का बर्फ वाला मैप इतने सालों बाद देखने के बाद मुझे ओल्ड फ्री फायर की याद आ गई। ऐसे पूरे मैप पर बर्फ ही बर्फ मिलेगी, लेकिन क्लॉक टावर को स्पेशल सजाया गया है। आपको अलग अलग जगह एक्समस ट्री मिलेगी एंड अलग अलग जगह गिफ्ट पड़ी हुई मिलेगी। यहाँ बाकी जगह के मुकाबले बर्फ भी ज्यादा मिलेगी एंड बाकी आप लोग पूरे के पूरे क्लॉक टावर को देखो, ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको गेम पर अलग अलग जगह पर इस तरीके से स्लाइड करने के लिए एक चीज मिलेगी, जिसका यूज करके आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्पीड से जा सकते हैं। आप इसका यूज करके क्लॉक टावर से बीमा शक्ति भी आ सकते हैं। आप किसी भी व्हीकल एंड जिपलाइन से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकेंगे एंड जब इसके बीच पर होगे तो आप लोग कर्सर बटन का यूज करके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकेंगे, या फिर आपको यहाँ पर दो बटन्स मिलेंगे, रिवर्स पर क्लिक करने पर आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या फिर इस बटन को क्लिक करके आप यहां से नीचे उतर सकते हैं। अब स्लाइडिंग मशीन के आने के बाद यहां से आप लोग फैक्ट्री के छत पर भी चढ़ सकेंगे। ओबी 47 अपडेट के बाद जीप लाइन पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे एंड जीप लाइन की ये चेंजेस आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। अपडेट के बाद जीप लाइन का यूज करने पर आप इस तरीके से ट्रेवल कर सकेंगे। साथ ही जीप लाइन पर ट्रेवल करते समय भी आप लोग फायरिंग कर सकते हैं एंड बंदे को किल भी कर सकते हैं। अपडेट के बाद जीप लाइन का यूज करते हुए आप लोग मेडिकेट का भी यूज कर सकेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सक रहे हो, मैं मेडिकेट का यूज कर रहा हूँ और इस रिवर्स वाले बटन को क्लिक करके आप लोग जीप लाइन के बीच से ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं।
आपको गेम पर एयरड्रॉप के साथ साथ एक गिफ्ट बॉक्स भी मिलेगी एंड गिफ्ट बॉक्स की लोकेशन का पता आप लोग मैप को देखकर लगा सकते हैं। आपको सिंपली उस जगह पर जाना है एंड गिफ्ट वाले बॉक्स के सामने जाकर इसको यूज करना है। इसका यूज करते ही आपको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। हमारे गेम पर 2019 पर एक मोड आया था जिसका नाम था मैड स्नोमैन, और ये मैड स्नोमैन मोड आपको अपडेट के बाद फिर से गेम पर देखने को मिलेगी। यानी कि सच में इस अपडेट के बाद आपको गेम पर बहुत सारे ओल्ड चीजें वापस मिलेंगी। बेसिकली स्नोमैन मोड को खेलने पर अगर कोई बंदा आपको नॉक कर दे या फिर आप किसी बंदे को नॉक करते हैं तो वो एक बर्फ के गोले में बदल जाएगा, लेकिन अगर उस बर्फ के गोले को भी फोड़ देते हैं तो वो रिवाइव नहीं हो सकता एंड तब जाकर आपको एक किल मिलेगा। लेकिन अगर बर्फ का गोला फूटने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं तो ये बर्फ का गोला बड़ा होता जाता है एंड ये कंप्लीट होते ही हम लोग फिर से रिवाइव हो सकते हैं, यानी कैरेक्टर के रूप में आ सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले अपडेट पर बताया था एक न्यू गन आने वाली है जिसका नाम होगा M590। बेसिकली ये एक शॉट गन है जिस पर एक बुलेट फायर करने के बाद ये ऑटोमेटिक 40 का एक्स्ट्रा डैमेज देती है, लेकिन अगर हम लोग फायरिंग के तुरंत बाद गन को स्विच कर लेते हैं तो बंदे को डैमेज नहीं पड़ती। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड पर देखो, यहाँ एनिमेशन तो हुई पर बंदे को डैमेज नहीं लगी। OB-47 अपडेट के बाद 3 ऐसे गन्स जिसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया गया एंड इनके हेडशॉट के डैमेज को भी इंक्रीज किया गया, यानी कि हेडशॉट से किल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं। सो नंबर 1 पे आता है M4A1 गन। इस गन पर हेडशॉट के डैमेज को इंक्रीज किया गया है। नंबर 2 पे आता है P90। इस गन पर हेडशॉट के डैमेज को तो नहीं पर डैमेज को इंक्रीज किया गया और साथ ही एक्यूरेसी को भी प्लस किया गया है। एंड नंबर 3 पे आता है M14। इस गन पर हेडशॉट के डैमेज को इंक्रीज किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।